हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का 11th चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो जैसा कि हमको पता है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमने पहले भी कई वीडियोस में इस बारे में चर्चा किया है। बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली केवल आज का ही एक ब्रांच नहीं है, ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी अलग बात है। बाकी इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम हजारों सालों से करते आ रहे हैं, क्योंकि हम दही का निर्माण जो करते हैं, दही बनाते हैं, है ना, या डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, तो इनमें भी हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। पहले भी हम लोगों ने एसिटिक एसिड बनाया है, साइट्रिक एसिड बनाया है, ये काम हजारों सालों से चला रहा है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी का, ये हजारों सालों से चला रहा है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, विशेषकर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको हम मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं, इनको अपने वेलफेयर में अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और चेंज करके फिर उनको हम जो है अपने जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो हमको एक हार्मोन है इंसुलिन, जो डायबिटीज़ में काम आता है, आपको पता है, इंसुलिन हार्मोन हमको प्रोड्यूस करना है। तो इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में पेंक्रियास के अंदर जो बीटा सेल हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस के बीटा सेल, वो प्रोड्यूस करते हैं। तो हम वहाँ से उनके जीन्स को निकाल लेते हैं और किसी बैक्टीरिया में, जैसे ईकोलाई बैक्टीरिया में, हम उसको इंसर्ट कर देते हैं, उसको भेज देते हैं। फिर उस बैक्टीरिया में उस हार्मोन को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी आ जाती है। तो इस तरह से हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हैं और उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम मॉडिफाई करके डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कराते हैं। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन। तो हम या तो सीधे सीधे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, जैसे ईस्ट है या बैक्टीरिया है, ईकोलाई है इनको, या उनके द्वारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया हुआ जो एंजाइम्स हैं, जैसे आजकल हम फर्मेंटेशन के लिए सीधे सीधे ईस्ट को नहीं डालते हैं, बल्कि ईस्ट के द्वारा जो प्रोड्यूस किया हुआ एंजाइम होता है, जाइमेज एंजाइम, उसका हम सीधे प्रयोग कर देते हैं और उससे हम डिजायर्ड प्रोडक्ट बना लेते हैं। इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन, which are all microbe mediated processes, could also be thought as a form of biotechnology। तो आपको मैंने पहले ही कहा कि हम हजारों सालों से इन चीज़ों को बनाते आ रहे हैं, दही है, ब्रेड है, वाइन है, और इनमें भी हम माइक्रोब का ही प्रयोग करते रहे हैं। मतलब ये भी एक प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी है। ये अलग बात है कि इसको हम क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इसमें लोगों को ये नहीं पता था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा ईस्ट है, वो कैसे करता है, ये नहीं पता था, भले ही वो प्रोसेस कराते रहे हैं, ठीक है। हाउएवर इट इज़ यूज्ड इन अ रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे टू रेफर टू सच ऑफ दोज प्रोसेसेस विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स टू अचीव द सेम ऑन ए लार्जर स्केल। तो आजकल हम इन चीज़ों के अलावा दूसरे चीज़ों को भी, जैसे हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनको बनाने के लिए इन्हीं माइक्रोब्स को हम ज़्यादा बड़े लेवल में हम यूज़ करते हैं और उनको मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं। ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू ए टेस्ट ट्यूब बेबी सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन आर ऑल द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो जैसा कि हम जनरली ये समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में हम किसी चीज़ को माइक्रोब के द्वारा प्रोड्यूस कराते हैं, हार्मोन है, एंजाइम है, इन टाइप की चीज़ों को, लेकिन नहीं, बायोटेक्नोलॉजी में ये सब चीज़ें भी शामिल हैं। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी में हम क्या करते हैं कि जो फीमेल है उससे ओवम निकाल लेते हैं, मेल से स्पर्म ले लेते हैं, दोनों को इन विट्रो फर्टिलाइज कराते हैं, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज कराते हैं एक मीडियम में। फिर जब फर्टिलाइज हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो उसको 8 या 16 ब्लास्टोमियर तक डिवीजन भी करने देते हैं, क्योंकि तब तक उसको न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और 8 से 16 ब्लास्टोमियर बनने पर फिर हम उसको फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट कर देते हैं और वहाँ वो उसका पालन पोषण होता है, वहाँ पर वो बेबी के रूप में डेवलप होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का ये मतलब नहीं है कि पूरा बेबी जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर डेवलप होता है, ऐसा नहीं है। उसमें हम टेस्ट ट्यूब में सिर्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पहले 2-3-4 क्लीवेज होते तक, ब्लास्टोमियर बनते तक हम उसमें डिवीजन होने देते हैं। तो वो एक टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस है। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है। सिंथेसाइजिंग जीन, आजकल जितने भी जीन हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं सब सिंथेसाइज जीन है, आर्टिफिशियली बनाया हुआ जीन है। इसको सबसे पहले जो है हर गोविंद खुराना ने ठीक ढंग से आर्टिफिशियल जीन को बनाया था, ठीक है, 1860 के आसपास में। डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन,
देखिए डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन क्या है। पहले जो वैक्सीन बनते थे या अभी तक भी बनते हैं उनमें से, वो माइक्रोब्स को जो पैथोजन है, चाहे टीबी हो न्यूमोनिया है, इनके जो पैथोजन है बैक्टीरिया वायरस हैं, उन्हीं को हम किल करके या उनको वीक करके उनके एंटीजन को निकाल करके हम वैक्सीन बनाते रहे हैं, अभी भी बनाते हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि उनमें से जो टॉक्सिन बनाने वाले जीन हैं उनको निकाल लेते हैं, उनको किसी बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देते हैं, फिर उस बैक्टीरिया से जो लगातार टॉक्सिन बनता है उसको लेकर के फिर हम डिटॉक्सीफाई करके वैक्सीन बनाते हैं, तो इसको डीएनए वैक्सीन कहते हैं। ये फोर्थ जनरेशन वैक्सीन के अंदर आते हैं। करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन, देखिए जैसे किसी परिवार में, किसी फैमिली में कोई जेनेटिक डिजीज़ है, चले आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, मान लो हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, इस टाइप का है, तो हम क्या करते हैं उस फैमिली में जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके स्पर्म को या ओवम को, जिसमें भी है वो डिफेक्टिव जीन, उसको निकाल लेते हैं, उसमें से उस डिफेक्टिव जीन को या तो करेक्ट कर देते हैं या वहाँ से रिमूव कर देते हैं, फिर उस स्पर्म या ओवम से हम फर्टिलाइज कराते हैं, तो जो बनने वाला बच्चा है, अगली पीढ़ी है, वो उस बीमारी से मुक्त हो जाएगी, फिर उसकी अगली पीढ़ी भी अब कभी भी उस बीमारी से ग्रसित नहीं होगी। तो इस तरह से हम जीन को करेक्ट करते हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, न सिर्फ प्रोडक्ट बनाना। द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज गिवन ए डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट एनकम्पासेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। द डेफिनेशन गिवन बाय फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज एज फॉलोज। देखिए पुराने और नए बायोटेक्नोलॉजी के सिस्टम को लेकर के इस फेडरेशन ने, द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने एक डेफिनेशन दिया। क्या डेफिनेशन दिया? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखिए नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म के साथ सेल्स, उनके कोई पार्ट्स या कोई जेनेटिक मॉलिक्यूल, इनको साथ में लेकर के कोई प्रोडक्ट बनाना है ना, या कोई सर्विस उससे लेना, ये जो है बायोटेक्नोलॉजी है। मतलब हम किसी भी लेवल में जीन को, सेल्स को, मॉलिक्यूल को, किसी ऑर्गेनिज्म को हम अपने वेलफेयर के लिए यूज़ करें तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। चाहे वो आप क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी कहें या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहें, इसके अंतर्गत सब कुछ शामिल हो जाता है। ठीक है, अब है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं अपन, वो ये है। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम जीन को निकाल के किसी बैक्टीरिया या किसी होस्ट सेल में डाल देते हैं, फिर उससे हम उस प्रोडक्ट को निकालते हैं। तो उसी को ये बता रहा है कैसे करना है। एमंग मैनी द टू कोर टेक्निक्स दैट इनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आर, नए बायोटेक्नोलॉजी का बर्थ कैसे हुआ। तो पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं आपको। जैसे इस सेल के द्वारा कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है, आप चाहते हो कि ये बैक्टीरिया या ये सेल उस प्रोडक्ट को बनाए जो कि नहीं बना सकता है, वो बनाए, तो हम क्या करते हैं इसमें से एनी हाउ, चाहे डायरेक्ट जीन को निकाल लें, चाहे mRNA के माध्यम से जीन बना लें, इस जीन को हम निकाल के किसी वेक्टर की सहायता से इस बैक्टीरिया में या इस सेल में हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। अगर ये बैक्टीरिया है तो इसमें न्यूक्लियस नहीं रहेगा, तो जब ये जीन इसमें पहुंच गया तो अब ये बैक्टीरिया उस प्रोडक्ट को बनाने लगेगा। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जैसे हम इसके लिए, जैसे इंसुलिन के लिए हम ये काम किए हैं, इंसुलिन का जीन जैसा मैंने कहा था बीटा सेल में होता है, सभी सेल में होते हैं लेकिन बीटा सेल में एक्टिव रहता है, वहां से जीन को निकाल लेते हैं और उसको बैक्टीरिया इकोलाई में प्लाज्मिड वेक्टर की सहायता से हम डाल देते हैं, तो वहां से फिर वो प्रोडक्ट बनने लगता है, वो बैक्टीरिया बनाने लगता है उस प्रोडक्ट को। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस मैंने आपको बताया है वहां पर मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में, तो उसके द्वारा बैक्टीरिया अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है इस जीन के अकॉर्डिंग और वो इंसुलिन बनाने लगता है। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। टेक्निक्स टू आल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए आरएनए में कोई बदलाव भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा करते हैं। ठीक है, मेन तो यही है कि हम एक से डीएनए निकाल के उसको कोई चेंज करके या वैसे के वैसे किसी और में इंसर्ट कर दें, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के पार्ट्स हैं। टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जब आप किसी एक से जीन को निकाल के दूसरे में भेजते हैं और उसने अगर उस जीन को एक्सेप्ट कर लिया तो वो अपने आप को उस जीन के ही अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा, यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है ना।
मान लो इस सेल से निकाल के जीन को इस सेल में भेजा, तो इस सेल में भी वो जीन जाके काम करने लगेगा और अपने जैसा वो प्रोडक्ट बनाने लगेगा, ठीक है। दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब जब हम इसको इंसर्ट कर लिए, जीन को इंसर्ट कर लिए उसमें, अब उसमें से वो प्रोडक्ट बनने लगेगा, तो दूसरे बैक्टीरिया वायरस भी वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं अनडिजायर्ड, है ना। तो इसलिए स्टेराइल कंडीशन वहाँ पर डेवलप करना पड़ेगा आपको, कि बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस उसमें अटैक ना करे उस मीडियम में जहाँ पर वो बैक्टीरिया है। जैसे मान लो इस ई कोलाई बैक्टीरिया में आपने जीन दिया है इंसुलिन बनाने वाला, तो ये जिस मीडियम में ग्रो कर रहा है, इंसुलिन बना रहा है, उस मीडियम में दूसरे बैक्टीरिया भी ग्रो करने लगेंगे, क्योंकि वो मीडियम बैक्टीरिया ग्रो के लिए सुटेबल होता है। तो हमको वो स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा कि वो वहाँ पर दूसरे बैक्टीरिया ग्रो ना कर सके। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब और यूकैरियोटिक सेल इन द लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम्स एटसेट्रा, ठीक है। इन चीज़ों को हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। जनरली तो हम जीन को किसी बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं, जनरली दो बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, एक तो ई कोलाई बैक्टीरिया और दूसरा है बैसिलस सब्टिलिस बैक्टीरिया। इनमें हम किसी जीन को इंसर्ट करते हैं तो वो जीन के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को बनाने लगता है। लेकिन तीसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं जनरली, वो होता है ईस्ट, और ईस्ट एक यूकैरियोटिक सेल है, इसलिए इसमें माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल लिखा है, ठीक है। तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है और ईस्ट जो है एक यूकैरियोटिक सेल है, तो दोनों में से किसी एक को हम यूज़ करते हैं, फिर उसको ग्रो कराने के लिए जो मीडियम लेते हैं वो स्टेराइल होना चाहिए, तब वो वहाँ पर अच्छे से ग्रो करेगा और डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाएगा। क्योंकि अगर कोई दूसरा बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो कर गया तो फिर वो उस मीडियम को डिस्टॉर्ट कर देगा, मीडियम को कॉन्टामिनेट कर देगा, फिर आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट सही ढंग से नहीं बन पाएगा, और बनेगा भी तो दूसरे प्रोडक्ट उसमें मिक्स हो सकते हैं, जो टॉक्सिन भी हो सकता है। इसलिए स्टेराइल कंडीशन रखना बहुत जरूरी है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो कैसे ये प्रिंसिपल्स डेवलप हुए इसको भी हम पढ़ेंगे। यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, हमने प्लांट में भी सेक्सुअल पढ़ा, एनिमल में भी, ह्यूमन बॉडी में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। क्लास 11th में एनिमल का है, ह्यूमन का, और क्लास 12th में प्लांट का है। तो इन दोनों में हमने एक एडवांटेज देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि इसके द्वारा वेरिएशन आता है, ठीक है। दो ऑर्गेनिज्म जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो दोनों के जीन्स आते हैं, उससे जो बनने वाला बच्चा है, जो प्रोगेनी है, उसमें निश्चित है कोई वेरिएशन आएगा, कुछ नए कैरेक्टर आएंगे। और नए कैरेक्टर जब पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी वेरिएशन इकट्ठे होते चले जाते हैं, तो बहुत पीढ़ियों के बाद, चाहे वो 100, 200, 1000, 2000 पीढ़ी के बाद, वो उसमें इतना ज़्यादा चेंज आ जाता है कि वो एक नया स्पीसीज़ या एक कम से कम नई वेराइटी में तो डेवलप हो ही जाता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज है कि नए कैरेक्टर्स आते हैं, दो लोगों के कैरेक्टर मिक्स होने से उसमें नए नए कैरेक्टर आते रहते हैं। लेकिन अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो एक ही बॉडी जो है कर लेता है रिप्रोडक्शन, तो बिल्कुल वो उसके जैसा पैदा होता है, तो उसमें कोई नया चीज़ नहीं आता। ये अलग बात है कि अगर उसके पेरेंट जिससे वो पैदा हुआ है वो सभी चीज़ों में बढ़िया कैरेक्टर वाला है, तब तो ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कुछ नए कैरेक्टर आए, तो फिर उसके लिए आपको उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना पड़ेगा, ताकि वो वेरिएशन उसमें आ सके। द फार्मर प्रोवाइड्स, यानी ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरिएशन एंड फार्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द पॉपुलेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा नए कैरेक्टर आते हैं, ये उस पॉपुलेशन के लिए, उस व्यक्ति के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है वो वेरिएशन, उसको अपने वातावरण में, क्योंकि वातावरण जो एनवायरमेंट है वो हमेशा चेंजेबल है ना। आज से अगर 100 साल पहले का आप देखें और आज का देखें तो काफ़ी बदल चुका है, और उससे 100 साल पहले देखेंगे तो भी बदलाव दिखेगा आपको। तो ये जो चेंजेबल एनवायरनमेंट है, जो हमको 2-4 दिन के अंदर तो नहीं दिखता लेकिन सालों के अंदर दिखता है, उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में उसको अपने आप को एक्लिमेटाइज करने में, अपने आप को ढलने में मदद करता है जो वेरिएशन आता है, और तभी वो जिंदा रह पाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन व्हाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी अपना इंपॉर्टेंस है, कि मान लो पेरेंट के पास अपने कैरेक्टर बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर हैं, आप उनमें चेंज नहीं करना चाहते हो, तो फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपकी मदद करेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने पेरेंट जैसा प्लांट बनेगा या एनिमल बनेगा, उससे फिर आपको चेंज नजर नहीं आएगा उसमें। तो ये भी उसमें एक इंपॉर्टेंस है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स यूजेस
used in plants and animals breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable gene along with the desired gene. देखिए जो हम पारंपरिक तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हम अच्छे अच्छे कैरेक्टर के एनिमल्स को या प्लांट्स को छांट के उनकी ब्रीडिंग कराते हैं, भले ही वो एक ही स्पीसीज के हों, एक ही वैरायटी के हों या अलग अलग वैरायटी के हों, लेकिन हम नज़रों से देख करके समझ करके कि हाँ ये प्लांट बहुत स्वस्थ है, इसमें अच्छे से दाने आए हैं, इसमें जल्दी बीमारी नहीं लगी है, ऐसे ऐसे प्लांट को छांट करके हम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं. तो आप उम्मीद करते हो कि अगली पीढ़ी जो है बढ़िया बढ़िया करेक्टर वाले बनेंगे, कोई ज़रूरी तो नहीं है, हो सकता है खराब करेक्टर वाले जीन एक साथ आ जाए और अगली पीढ़ी बहुत ख़राब बन जाए, ये भी तो हो सकता है. यानी कि ये है कि कन्वेंशनल मेथड से, जो पारंपरिक मेथड है उससे अगर आप हाइब्रिडाइजेशन कराते हो तो अच्छे करेक्टर के साथ बुरे करेक्टर के भी आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं. इसलिए हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं कि हम अनडिज़ायर्ड जीन को हटा दें टेक्निक के द्वारा और डिज़ायर्ड जीन को बढ़ा दें, तो वो फिर अगली पीढ़ी जो पैदा होगी वो सिर्फ अच्छे करेक्टर वाले पैदा होंगी, ये फिक्स रहेगा. मैंने बताया था आपको पहले भी किसी क्लास में, मैंने चर्चा किया था कि फ्यूचर में 20-30 सालों में, आज 2020 में मैं वीडियो बना रहा हूँ, फ्यूचर में डॉक्टर्स के क्लिनिक के सामने बोर्ड लगा रहेगा, दुकानें खुले रहेंगे, उसमें लिखा रहेगा मनचाहा बच्चा प्राप्त करें. तो आप जाएंगे मनचाहा बच्चा प्राप्त करने के लिए, कपल जाएगा तो क्या करेगा डॉक्टर, एक लिस्ट थमा देगा उसको, 100 200 500 करेक्टर के लिखे हुए लिस्ट कि आपको बच्चा कैसा चाहिए, आप टिक करिए, बच्चा गोरा चाहिए, सांवला चाहिए, काला चाहिए, बच्चा लंबा चाहिए, मीडियम चाहिए, बौना चाहिए, बच्चा मोटा चाहिए, पतला चाहिए, मीडियम चाहिए, बच्चा इंटेलिजेंट चाहिए, ये चाहिए, मतलब आपको टिक करके देना है उसको. फिर डॉक्टर क्या करेगा, आपके स्पर्म ओम को लेगा, उनमें से कुछ जीन्स को निकालेगा और दूसरे जीन उसमें इंसर्ट करेगा. वो जीन, दूसरे जो जीन है वो अलग अलग लोगों से लेकर के कलेक्ट किया गया जीन है जिनमें वो कैरेक्टर है. जैसे आपने लिखा मुझे लंबा बच्चा चाहिए, तो लंबे व्यक्ति से लंबेपन का जीन निकाल के रखा है वो आपके स्पर्म में डालेगा. वो फिर वो स्पर्म ओम को फर्टिलाइज करेगा, और अगर आप चाहो तो आपको ही वो मदर के रूप में यूज़ कर सकता है, नहीं तो किसी सरोगेट मदर को यूज़ करेगा, और 9 महीने में वो आपका मनचाहा बच्चा बना करके आपको दे देगा. ये अलग बात है कि उस बच्चे में आपके तो पता नहीं कितने जीन्स हैं, लेकिन दूसरे लोगों के, हजारों लोगों के जीन्स उसमें इंसर्टेड हैं, मतलब वो उतने सारे लोगों का बच्चा है, आप ये कह सकते हैं. तो इस टाइप का जो चीज़ है वो ह्यूमन बॉडी में आगे लागू होने वाला है, इसके साथ साथ वो दूसरे एनिमल में भी. अभी ये चीज़ें बहुत इनिशियल कंडीशन में है, लोग मतलब जो साइंटिस्ट ये काम कर रहे हैं थोड़े बहुत सक्सेसफुल भी हैं, कुछ जीन्स को इंसर्ट करने में कामयाब भी हो गए हैं, लेकिन ये बड़े लेवल में अभी चालू नहीं हो पाया है. ये अगले 20-30 सालों में 2050 के आसपास के आते तक तो ये बहुत डेवलप हो चुका रहेगा, और लगभग हर कोई इसी तरह से बच्चा पैदा करेगा, क्योंकि वो जान रहे हैं कि आगे मार्केट में टिकने के लिए, कंपटीशन में टिकने के लिए हर करेक्टर का डोमिनेंट होना जरूरी रहेगा, वो बहुत पावरफुल बच्चा रहेगा तब जाके वो मार्केट में टिक पाएगा. ऐसा है. द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, use of gene cloning and gene transfer overcome this limitation and allows us to isolate and introduce only one or a set of desirable gene without introducing undesirable gene into the target organism. तो जब आपने पारंपरिक तरीके से हाइब्रिडाइजेशन किया उसमें आपने देखा कि आपके चाहे गए कैरेक्टर आ रहे हैं लेकिन अनडिजायरेबल कैरेक्टर भी आ जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जैसा मैंने कहा, उसने ये सब टेक्निक अपनाया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जैसे डीएनए है, इसके कुछ पार्ट को काट के हटा दिए और दूसरा डीएनए लाके जोड़ दिए, ये नाउ दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हुआ. जीन क्लोनिंग, हम अच्छे जीन्स की क्लोनिंग करते हैं, उसके अमाउंट को बढ़ाते हैं. जीन ट्रांसफ़र, किसी एक से जीन निकाल के दूसरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो ये सारे प्रोसेस जो है एकदम जेनेटिक लेवल में होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग लेवल में होता है. तो जो अगला प्लांट या एनिमल बनेगा ये सब काम करने के बाद, उसमें सिर्फ वही जीन्स रहेंगे जो हम चाहते हैं, जैसा मैंने अभी मनचाहा बच्चा के बारे में बात किया था, उस टाइप का चीज़ होगा, और वो फिर आपके हिसाब से बनने वाला प्लांट होगा जिसमें सारे अच्छे गुण होंगे. देखिए आजकल आप लोग कई बार सोशल मीडिया में कुछ प्लांट के फोटोज़ देखते होंगे कि एक छोटा सा आम का पेड़ है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें इतने सारे आम फले हैं कि पूरा पेड़ आम से ढका हुआ है, या कटहल वैसा फला हुआ है, या ऐसा अमरूद बिही जो है वो फला हुआ है, इस टाइप पे आप देखते हैं. तो ये चीज़ें जो है धीरे धीरे इसी टेक्निक से बनाई जा रही हैं,
है ना, तो वो आपको दिखता है वहाँ पर। अब पता नहीं सोशल मीडिया वाला कितना सही है कि नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये ज़रूर बन सकता है, ये बायोटेक्नोलॉजी में पॉसिबल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स प्राप्त कर सकते हैं उससे, किसी पेड़ से इस टाइप से। ठीक है, डू यू नो द लाइकली फैट ऑफ द पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इन टू एलियन ऑर्गेनिज्म। इसमें यह लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि जब जीन का या डीएनए का एक टुकड़ा किसी ऑर्गेनिज्म के सेल में हम इंसर्ट करते हैं तो उसका क्या भविष्य होगा। फेट ऑफ ए पीस ऑफ डीएनए, फेट का मतलब उसका फ्यूचर क्या है, मतलब वो डीएनए उसमें जाके क्या करेगा। तो देखिए, अब यहाँ पर दो संभावनाएं हैं, वो डीएनए वहाँ जा करके अपने आप को एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा। ये किस बात पर डिपेंड करता है कि उस जीन को वहाँ पर कोई दूसरा जीन सप्रेस मत कर दे, क्योंकि हो सकता है उससे कोई ज़्यादा पावरफुल जीन वहाँ पर हो उसी कैटेगरी का जो डोमिनेंट हो इसके ऊपर, तो फिर ये रिसेसिव जीन हो जाएगा और ये सप्रेस हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में क्या होता है कि हम जो जीन इंसर्ट करते हैं उस जीन का कोई कॉपी, कोई एलील वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि ये फॉरेन डीएनए होता है, ये उसमें उस सेल में है ही नहीं, ना तो उसका एलील है ना खुद है, इसलिए उसको रोकने वाला वहाँ पर जनरली कोई नहीं होता, उस डीएनए को रोकने वाला। तो वो क्या करता है, वो डीएनए जो है अपने आप को एक्सप्रेस करने लगता है। पहले एमआरएनए बनाएगा, फिर उसके जरिए प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन के द्वारा एंजाइम हार्मोन जो आप चाहते हो वो बनता चला जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था कि इंसुलिन के जीन को हमारे सेल से निकाल करके बैक्टीरिया के सेल में डाल दिया, तो बैक्टीरिया ने इंसुलिन बनाना चालू कर दिया। तो इस टाइप का काम होता है कि वो जो डीएनए हम इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ लिखा है एलियन ऑर्गेनिज्म, एलियन का मतलब दूसरा ऑर्गेनिज्म, बाहरी ऑर्गेनिज्म, जिसमें वो जीन था उसके अलावा दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसमें उस जीन को इंसर्ट किया है। जैसे कि हमने बीटा बीटा सेल से, हमारे सेल से इंसुलिन के जीन को लेकर के बैक्टीरिया में डाला, तो बैक्टीरिया एलियन ऑर्गेनिज्म हुआ, बैक्टीरिया एलियन सेल हुआ, उसमें हमने दिया है, और ये जो हमने जीन डाला है, डीएनए डाला है, वो उसमें काम करेगा और अब वो इंसुलिन हार्मोन को बनाएगा। मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोगेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होता है कि ये डीएनए अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करता, लेकिन जब आप उस सेल को मल्टीप्लाई करने दोगे तो फिर वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा और अगले सेल में जाएगा। जैसे कि मान लो आपने इस बैक्टीरिया में ये जीन का एक टुकड़ा आपने इंसर्ट किया है इंसुलिन का, तो अब ये अपने आप को यहाँ पर तो कॉपी नहीं करेगा, लेकिन अगर इस बैक्टीरिया को आप डिवाइड तो होने दोगे, दो बैक्टीरिया बनाने दोगे, तो इन दोनों बैक्टीरिया में इसकी कॉपी चली जाएगी, ऐसा जरूर होता है, लेकिन उसी बैक्टीरिया के सेल में वो बहुत ज़्यादा अपनी कॉपी तैयार नहीं करेगा। बट वेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड इंटू इट्स जीनोम ऑफ द रेसिपियंट इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड एलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए। यहाँ पर एक शर्त ये बता रहा है कि जैसे आपने ये बैक्टीरिया में ये जीन को इंसर्ट किया, तो ये बैक्टीरिया के अपने डीएनए के साथ इसको जुड़ना पड़ेगा, उसका हिस्सा बनना पड़ेगा, और तब जा करके वो सेल डिविजन करेगा, तो उसमें वो मल्टीप्लाई होके जाएगा। ठीक है, फिर भी अपनी कॉपी बहुत ज़्यादा यहाँ पर तैयार नहीं करेगा, बस जितने वो मल्टीप्लाई होके जाएगा उतने में ही जाएगा, लेकिन उसके साथ जुड़ा रहेगा, उसके डीएनए के साथ जुड़ेगा। तो ठीक है, दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। ठीक है, क्योंकि उसके डीएनए में अपना रेप्लिकेशन करने की पावर है जब वो डिविजन करेगा उस समय, और उसका हिस्सा बन गया वो डीएनए, तो फिर उसके रेप्लिकेशन के साथ वो भी रेप्लिकेट होगा, और उसके प्रोगेनी में जैसे एक से दो, दो से चार, चार से आठ सेल बनते जा रहे हैं, तो हर एक में उसकी कॉपी जाते जा रही है। मतलब आपको एक बैक्टीरिया में एक जीन को डाल देना है, फिर उसको डिवीजन करने देना है, तो फिर वो उसमें हर एक जितने भी बैक्टीरिया बनेंगे हर एक में वो जीन, वो डीएनए पहुंचता चला गया। इन अ क्रोमोसोम देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सिक्वेंस कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन रेप्लिकेशन। अभी मैं आपको इसके आगे जो है प्लाज्मिड पढ़ाने वाला हूँ, PBR322, ये एक प्लाज्मिड है, इसके बारे में पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, ROP है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसको कहा जाता है। तो कोई भी जो डीएनए है वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है, जिसको सिग्मा जो ये है डीएनए पॉलीमरेज है वो जिसकी पहचान करता है, या आरएनए पॉलीमरेज पहचान करता है, तो उसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट। ठीक है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो हम प्लाज्मिड में कई पॉइंट्स की स्टडी करेंगे, अभी प्लाज्मिड को डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको ठीक से समझ में आएगा कि डीएनए में या प्लाज्मिड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है,
तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाले पॉइंट पे अगर हम जोड़ देते हैं, जैसे मान लो ये प्लाज्मिड है, यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट है, आरओपी पॉइंट है, तो यहाँ पर से अगर हम इंसर्ट करें उस जीन को, यहाँ पर हम डीएनए को इंसर्ट करें, तो निश्चित है इसका रेप्लिकेशन होगा और इसके रेप्लिकेशन के साथ। वैसे कहीं पर भी अगर हम इंसर्ट करते हैं तो रेप्लिकेशन होता है, लेकिन आरओपी पे इंसर्ट करेंगे तो जल्दी रेप्लिकेट करता है और आसानी से रेप्लिकेट करता है वो जो फॉरेन डीएनए है। देयरफोर फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म इट नीड्स टू बी ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम व्हिच हैज स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उस डीएनए में जिसके साथ वो जुड़ा उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि बिना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के खुद ही रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा तो अपने साथ जुड़े हुए नए डीएनए को कैसे रेप्लिकेट कर पाएगा। यहाँ पर एक शब्द लिखा है एलियन पीस ऑफ डीएनए। जैसे मान लो इस बैक्टीरिया में अपना, ये बैक्टीरिया है, इसमें अपना डीएनए है और ये आपने बाहर से इंसर्ट किया है, तो ये एलियन डीएनए है, ये यहाँ पर जुड़ेगा, तो इसके पास आरओपी होना जरूरी है तब वो रेप्लिकेट कर पाएगा। Thus, an alien DNA is linked with the origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in a host organism. अभी मैंने आपको बताया ना कि ROP वाले पॉइंट पे ही जुड़ेगा ना तो आसानी से replicate कर पाएगा, वो उसकी विशेषताएँ होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं जीन्स में कि ROP के साथ जो, जैसे कि मान लो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, इसका ये DNA है, यहाँ पर ROP है, तो यहाँ पर जुड़े वो DNA तो फिर वो जल्दी रेप्लिकेट कर पाएगा। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। तो जब आपने एक बैक्टीरिया को डिवीजन करने दिया जिसमें आपने वो डीएनए इंसर्ट किया है, उस बैक्टीरिया ने डिवीजन करके लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में बैक्टीरिया बना लिया, तो ये उसकी क्लोनिंग कहलाई, उस जीन की भी क्लोनिंग कहलाई, क्योंकि जीन भी उतने सारे उनके प्रोगेनी में पहुंच गए और आपको कुछ नहीं करना पड़ा, उन सभी में अलग अलग डालने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने एक में इंसर्ट किया, डिवीजन करने दिया, वो ऑटोमेटिक उसमें आगे पहुंचते चला गया। ठीक है, ठीक है, लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। देखिए ये प्रोसेस कैसे होता है, ये पहले मैं आपको अपने तरीके से बता देता हूँ, फिर आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए जैसे कि हमारे पेंक्रियास से हमने ये बीटा सेल निकाल लिया, ठीक है, हमको पता है कि ये बीटा सेल जो है, ये बीटा सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में बहुत सारा डीएनए है जो हमारे शरीर के सभी सेल्स में एक जैसे होते हैं वैसे ही है, हमको पता है कि इसमें एक पार्ट है डीएनए का जो इंसुलिन को बनाता है, ठीक है, इसमें से हम डीएनए को निकालना चाहते हैं और एक दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो अब इसका दो तरीका है, एक या तो हम अलग अलग इसमें से जीन को छांटे कि कौन सा जीन है उसको निकालना है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट टास्क है क्योंकि 30,000 जीन है, आप कैसे छांटोगे। तो अब हम ये जान रहे हैं ज़रूर कि चूंकि ये बीटा सेल है तो ये लगातार इंसुलिन बनाता है, और इंसुलिन कैसे बनता है, डीएनए से पहले आरएनए बनता है एमआरएनए, फिर एमआरएनए आके प्रोटीन को यानी इंसुलिन को बना रहा है, तो हम उस आरएनए को एमआरएनए को खोजेंगे अपन, जो कि आसानी से आपको इस सेल के साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा क्योंकि ये सेल लगातार इंसुलिन को बना रहा है, तो एमआरएनए भी लगातार बन रहा है और हमको एमआरएनए मिल जाएगा। इस एमआरएनए को निकाल लिए, ये एमआरएनए हमने निकाल लिया, ठीक है, इसमें एक पार्टिकुलर सीक्वेंस है, ठीक है, डीएनए के उस हिस्से से बना हुआ एमआरएनए है, मान लो इसमें ए यू सी जी ए है ना, सी जी ए यू सी जी ए यू, ऐसे सीक्वेंस बने हुए हैं। तो हम इस एमआरएनए से सबसे पहले क्या करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है, मैंने आपको बताया था डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन जो कि अंदर में हुआ है इस एमआरएनए के बनने के लिए, और इस एमआरएनए से फिर से डीएनए बनाएंगे या डीएनए बनाएंगे तो हम उसे कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके लिए चाहिए जो कि कुछ वायरसेस में होते हैं, ठीक, हम उस एंजाइम की सहायता से इसमें डीएनए का एक स्ट्रैंड बना लेते हैं, तो डीएनए का एक स्ट्रैंड बन गया जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे ए है तो टी है, यू है तो ए है, सी है तो जी है, जी है तो सी, इस तरह से पूरा बन जाएगा टेम्पलेट, एक एक स्ट्रैंड बना डीएनए का। अब चूंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है तो इस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री भी अपन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से बना लेंगे, ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हो गया, टी का ए, ए का टी, सी का जी, जी का सी, ऐसा करके ये एक कंप्लीट डीएनए हमको मिल गया जो इंसुलिन बनाने वाला डीएनए है, ठीक है।
तो इसको हम किस प्रोसेस से बनाए, हमने उस डीएनए को नहीं निकाला बीटा सेल से, बल्कि हम उसमें से एमआरएनए को निकाले हैं और एमआरएनए से डीएनए बनाए हैं, इसलिए ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ऐसे डीएनए को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, क्यों? क्योंकि एमआरएनए का हमने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया डीएनए, फिर उस डीएनए स्ट्रैंड का भी कॉम्प्लीमेंट्री का और स्ट्रैंड बनाया, मतलब पूरा कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से बनाते जा रहे हैं। इसलिए इस डीएनए को अपन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या इसी को सी डीएनए कहते हैं, सी डीएनए। ठीक है, ये डीएनए मिला, सपोज कि ये वो डीएनए है जो कि अब इंसुलिन बना रहा है। ठीक है, मैं अब इसको यहां से हटा रहा हूं फिलहाल। ठीक है मैं इसको पूरा ही मिटा देता हूं, आसानी से मिटेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये डीएनए का एक थ्रेड मिला है जो इंसुलिन बनाता है। ये हमने तैयार किया, इंसुलिन बनाने वाले सेल से एमआरएनए को निकाला, उससे कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से बनाया इस डीएनए को। ये हमारा वो डीएनए है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं बैक्टीरिया के पास। ये हम एक बैक्टीरिया लिए, इस बैक्टीरिया में जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है तो अपना इस तरह का एक डीएनए होता है और एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, अब इस प्लाज्मिड को हम बाहर निकाल लिए, ये आ गया वो प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड में हम क्या करेंगे, इसको बैक्टीरिया सेल को इसके लिए डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, इसके सेल वॉल को फाड़ना पड़ेगा, ये बैक्टीरिया तो मर जाएगा समझ लो। इसके लिए हम लाइसोजाइम एंजाइम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये सब का प्रयोग कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर लाइसोजाइम एंजाइम का प्रयोग करेंगे जिससे बैक्टीरिया सेल फट जाएगा और हमको ये प्लाज्मिड मिल जाएगा, ये बैक्टीरिया नष्ट हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जितना बड़ा ये डीएनए है इंसुलिन बनाने वाला डीएनए, उतना बड़ा हिस्सा इसके प्लाज्मिड वाले डीएनए से काट के हम हटा देंगे। ये हट गया काट के, इसके लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पार्टिकुलर साइट से एक निश्चित बिंदु से पॉइंट से काट करके डीएनए को हटा देता है, यानी डीएनए को काट देता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से हम प्लाज्मिड के उतने बड़े डीएनए को काट के हटा देंगे जितना बड़ा डीएनए हमने इंसुलिन जीन के लिए इंसुलिन डीएनए को बनाया है, उतना बड़ा हिस्सा काट के हटा दिए, हटाने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब जब काट के ये हट गया तो इसके जो दोनों सिरे हैं, ये जो प्लाज्मिड है, ये कटा हुआ प्लाज्मिड है, इसका ये सिरा और ये सिरा, ये स्टिकी कहलाता है, स्टिकी एंड, चिपचिपे सिरे, स्टिकी एंड क्यों कहलाते हैं, क्योंकि अब ये दूसरे डीएनए को अपने में जोड़ने में ये कैपेबल है, ये बॉन्ड इसके खुल गए हैं तो नया बॉन्ड बनाने के लिए ये एकदम कैपेबल है, इसलिए स्टिकी एंड कहते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई गोंद लगा है, ऐसा नहीं है, वहाँ के बॉन्ड ओपन हो गए हैं तो बॉन्ड नया बनाने के लिए वो कैपेबल है, इसलिए स्टिकी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इंसुलिन वाला जीन है, डीएनए है, उसको लाके यहाँ पर जोड़ देते हैं। इसके लिए यूज़ करते हैं अपन लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। तो जब ये इंसुलिन जीन इस प्लाज्मिड के साथ जुड़ा तो नाउ दिस प्लाज्मिड इज कॉल्ड आरडीएनए, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्यों रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि पहले इस प्लाज्मिड के जो जीन्स थे उनका अपना एक कॉम्बिनेशन था, अब ये कॉम्बिनेशन बदल गया। ठीक है, इसमें इनके कॉम्बिनेशन में एक नया जीन आ गया, एक पुराना चला गया, एक नया जीन आ गया। जैसे आप लोग चार लोग एक टेबल में बैठते हो, वो आपका अपना कॉम्बिनेशन है, एक दिन एक बच्चा उठ के कहीं चला गया और दूसरा बच्चा उसकी जगह बैठ गया, नाउ दिस इज कॉल्ड न्यू कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। तो इस डीएनए का ये रिकॉम्बिनेशन हुआ इस प्लाज्मिड का, सो दिस प्लाज्मिड इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़े, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा काटे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम चूंकि काटने का काम करता है इसलिए इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल सीजर, कैंची, जैविक कैंची, बायोलॉजिकल सीजर कहते हैं। और जो लाइगेज एंजाइम है वो जोड़ने का काम करता है इसलिए इसको बायोलॉजिकल या मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। ग्लू मतलब गोंद, मॉलिक्यूलर ग्लू या बायोलॉजिकल ग्लू और बायोलॉजिकल सीजर, ये दो चीज़ें याद रखिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काटता है बायोलॉजिकल सीजर और लाइगेज एंजाइम जोड़ता है बायोलॉजिकल या मॉलिक्यूलर ग्लू। अब आपका जो प्लाज्मिड तैयार हुआ इसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि अब इसके डीएनए का कॉम्बिनेशन नया हो गया है। ठीक, अब ये तैयार है प्लाज्मिड, अब क्या करोगे, आप एक बैक्टीरिया लेते हो, ये बैक्टीरिया पहले वाला तो नष्ट हो गया है, खत्म हो गया है, तो दूसरा बैक्टीरिया ले लेते हो, कोई बात नहीं, लेकिन उस बैक्टीरिया में पहले से प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए,
बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक जिनमें प्लाज्मिड होता है, जैसे पहले वाले को आपने लिया इसे प्लाज्मिड था, दूसरे जिसमें प्लाज्मिड नहीं होते हैं, जिसको अब आपको लेना है। जैसे कि मान लो ये दूसरी बैक्टीरिया है जिसमें डीएनए तो है अपना लेकिन प्लाज्मिड नहीं है, ठीक। अब इसमें आप क्या करोगे, इस प्लाज्मिड को इंसर्ट कर दोगे, ये प्लाज्मिड इसके अंदर पहुंचा। प्लाज्मिड को इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। सिंपल तरीका यह है कि बैक्टीरिया जिस मीडियम में है उस मीडियम में प्लाज्मिड को छोड़ दीजिए, प्लाज्मिड अपने आप अंदर चला जाएगा और बैक्टीरिया उसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेगा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के द्वारा। कई बार ये नहीं लेता है तो हम बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं, उसके लिए एबल बनाते हैं कि वो ले ले। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हीट शॉक देते हैं। हीट शॉक, हीट शॉक कैसे देते हैं, बैक्टीरिया को पहले 45-50 डिग्री में, 45 डिग्री सेल्सियस में उसको हीट करते हैं थोड़ा सा, फिर अचानक से उसको आइस में रख देते हैं, ठंडे आइस में, कोल्ड एकदम, फिर उसको थोड़ा देर बाद उठा के फिर से थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, फिर 45-40 डिग्री तक। इसे हम कहते हैं हीट शॉक, थोड़ा ज़्यादा फिर थोड़ा कम फिर ज़्यादा, ऐसा 2-3 बार करते हैं। साथ में कैल्शियम आयन वहाँ पर दे देते हैं उसको, क्योंकि कैल्शियम आयन और इसको कॉम्पिटेंट बनाने में मदद करता है। फिर वो उस डीएनए को आसानी से अपने अंदर ले लेता है जो प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा, चूंकि प्लाज्मिड पहले से नहीं था इसलिए बैक्टीरिया उसको लेना भी चाहता है तो आसानी से ले भी लेता है। अब प्लाज्मिड जैसे इसके अंदर पहुंचा, इसके साथ हमारा डिजायर्ड जीन पहुंच गया, इंसुलिन जीन पहुंच गया सपोज। अब वो बैक्टीरिया के साथ चूंकि वो प्लाज्मिड में गया है तो बैक्टीरिया को हम डिवीजन करने देंगे जिसके अंदर प्लाज्मिड हमने भेजा है। अब बैक्टीरिया 1, 2, 4, 16, 8 ऐसा करके बढ़ता चला जाएगा, अरबों खरबों की संख्या में बैक्टीरिया बनाएगा, और जितने बार भी वो बैक्टीरिया बनेगा नया डिवीजन करेगा उतने बार उसके अंदर वो प्लाज्मिड भी जाएगा डिवीजन करके और उसमें वो जीन भी जाएगा डिवीजन करके। मतलब एक बैक्टीरिया में आपने इंसर्ट किया उसके जो 1 अरब बैक्टीरिया बने उन सब में वो जीन है, वो प्लाज्मिड है। अब ये सारे बैक्टीरिया जो हैं वो इंसुलिन बनाते चले जाएंगे, चूंकि वो उसके जीन, इंसुलिन के जीन उसके अंदर पहुंच गया है तो वो इंसुलिन उसके अकॉर्डिंग बनाने लगेगा और उसको वो अपने मीडियम में रिलीज करता जाएगा, ठीक है। तो परिणाम यह होगा कि आपको बहुत सारा इंसुलिन बन बन करके मिलता रहेगा, सिंथेसाइज होकर मिलता रहेगा, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपको जो मीडियम है उसको स्टराइल रखना पड़ेगा, दूसरे बैक्टीरिया वहाँ पर उस मीडियम में ग्रो नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो मेन पॉइंट हैं आपको समझ में आ गए होंगे कि हम कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ने सीडीएनए क्या होता है ना। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे हमने इंसुलिन जीन को एमआरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से बनाया, उसी को आजकल ना सिंथेसिस तरीके से बनाते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं। मतलब वो जीन कैसे बना हुआ है वैसे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके आर्टिफिशियली सिंथेटिकली उस जीन को बनाया जाता है, उसको आर्टिफिशियल जीन या सिंथेटिक जीन कहा जाता है। इस चीज़ को सबसे पहले वैसे तो कोर्नबर्ग ने बनाया था, लेकिन वो पुराने डीएनए को अपने टेम्पलेट के तौर पे, सांचे के तौर पे यूज़ किया था तो नया डीएनए बना पाया था। लेकिन उसके बाद हरगोविंद खुराना ने डीएनए बनाया जो बिना टेम्पलेट का बनाया, मतलब पुराने डीएनए को यूज़ नहीं किया और नया डीएनए बिना टेम्पलेट के ही बना लिया, तो वो हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले किया था। तो इस तरह से अपन यहाँ पर जो प्लाज्मिड है, जैसा हमने कहा प्लाज्मिड क्या चीज़ होता है, बैक्टीरिया में मेन डीएनए के अलावा एक छोटा सा डीएनए होता है प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया को कुछ चीज़ों में हेल्प करता है, उसके रिप्रोडक्शन में या रेजिस्टेंट बनाने में या अपना रिप्रोडक्शन ये कोलिसिन प्रोड्यूस करने में या एंटीबॉडी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने में, 3 चीज़ों में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने में या एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट करने में अपने आप को, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड हेल्प करता है। तो प्लाज्मिड को हमने जिस तरीके से भी यूज़ किया तो उसे हम कहते हैं कि प्लाज्मिड यहाँ पर वेक्टर की तरह यूज़ हुआ, कैरियर की तरह यूज़ हुआ, क्योंकि इसने फॉरेन डीएनए को अपने में लोड करके अंदर लेके गया। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो प्लाज्मिड है वो वेक्टर कहलाएगा, वाहक, ठीक है, वो गाड़ी की तरह काम किया जो अपने में बैठा के लेके गया, तो वेक्टर की तरह काम किया प्लाज्मिड। और जो फॉरेन डीएनए है जैसे इंसुलिन का डीएनए है वो वहाँ पर पैसेंजर डीएनए का काम किया और उसके द्वारा बैठ करके वो बैक्टीरिया के अंदर पहुँचा। तो जनरली प्लाज्मिड का हम प्रयोग करते हैं ईकोलाई बैक्टीरिया में, बेसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया में। आजकल जो है एक और टेक्निक है कि हम प्लाज्मिड का भी प्रयोग ना करें, हम सीधे सीधे डीएनए को ही अंदर भेज दें किसी माध्यम से, तो उसे वेक्टरलेस ट्रांसफ़र कहते हैं, जो बंदूक की तरह इंसर्ट किया जाता है या
इंजेक्शन के द्वारा इंसर्ट किया जाता है, कई तरीके हैं उसके, आगे कहीं पर दिया होगा तो मैं उसमें और डिस्कस करूंगा, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि वेक्टर लेस तरीके से भी अपन इंट्रोड्यूस करते हैं, बिना प्लाज्मिड के भी डीएनए को सीधे अंदर भेज देते हैं, तो वो उसके मेन डीएनए के साथ अटैच हो जाता है, ऐसा भी होता है। लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टांस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैंने बताया ना अभी कि जो प्लाज्मिड है उसको जोड़ा आपने दूसरे डीएनए के साथ, तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाया, क्योंकि अब उसमें जीन्स का कॉम्बिनेशन बदल गया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज्ड फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग ए जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद अ नेटिव प्लाज्मिड ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ साल्मोनेला टाइफूरियम। सबसे पहले साल्मोनेला टाइफूरियम के प्लाज्मिड में एक जीन को इंसर्ट किया गया जो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस पैदा करता है। देखिए अब ये थोड़ा सा अब कॉम्प्लेक्स चीजें आ गई, मैं आपको समझाता हूं। देखिए जैसे कोई बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया किसी एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में मर जाता है। आपको एंटीबायोटिक मैंने बताया था, एक बैक्टीरिया पैदा करता है दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक। तो मान लो ये बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से मर रहा है, दूसरा बैक्टीरिया प्रोड्यूस किया है, ये बैक्टीरिया मर रहा है, तो मान लो ये बैक्टीरिया अपने आप को रजिस्ट कर ले तो फिर ये उस एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में नहीं मरेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, देखिए इसी बात को समझा रहा है, साल्मोनेला टाइफूरियम, देखिए ये एक बैक्टीरिया है, ये एक एंटीबायोटिक से मर जाता है, ये ऐसा बैक्टीरिया है, तो हमने क्या किया, इसके प्लाज्मिड में हमने उस जीन को इंसर्ट कर दिया जिसके मदद से ये अब उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाएगा, नहीं मरेगा। समझ पा रहे हैं, पहले ये मर जाता था एंटीबायोटिक से, अब नहीं मरेगा, क्यों, क्योंकि हमने इसके प्लाज्मिड में उस जीन को इंसर्ट कर दिया है, जीन को डाल दिया है जिसके द्वारा ये रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है। यही काम सबसे पहले किया गया साल्मोनेला टाइफूरियम बैक्टीरिया में, उसके प्लाज्मिड में हमने उस जीन को इंसर्ट किया जो इसको एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस बना दिया, पहले नहीं था अब रेजिस्टेंट हो गया, अब नहीं मरेगा। स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for the conferring antibiotic resistance। देखिए अब ये कैसे किया गया, उस जीन को कहाँ से लिया गया, उस जीन को दूसरे बैक्टीरिया से लिया गया जो बैक्टीरिया ऑलरेडी रेजिस्टेंट था। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, जैसे ये साल्मोनेला टाइफूरियम बैक्टीरिया है, इसका अपना ये DNA है, ये प्लाज्मिड है, ये रेजिस्टेंट नहीं है, मर जाएगा एंटीबायोटिक के लिए, एंटीबायोटिक से, लेकिन ये एक बैक्टीरिया है, ये उसका डीएनए है, ये उसका प्लाज्मिड है, इसमें वो रेजिस्टेंस है ऑलरेडी, तो इसके डीएनए से काट के प्लाज्मिड से निकाले डीएनए को और इसके प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिए, तो ये भी अब डिजीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया। ऐसा किया हमने, एक से निकाल के दूसरे में डाला, जिस बैक्टीरिया में था उससे जीन को निकाला और दूसरे बैक्टीरिया में जिसमें नहीं था रेजिस्टेंस उसमें डाल दिया, तो वो रेजिस्टेंट हो गया। ये काम हर्बर्ट बॉयर और स्टेनले कोहेन ने किया था 1972 में, इस बैक्टीरिया में इंसर्ट किया था। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ द सो कॉल्ड एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर, मैंने अभी आपको बताया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर या बायोलॉजिकल सीजर, काटने वाला कैंची, जैविक कैंची, इसकी डिस्कवरी हुई और इस एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो डीएनए को पार्टिकुलर साइट से काटता है, जहां से आप चाहोगे वहीं से काटेंगे। द कट पीस ऑफ डीएनए वॉज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए, एक से डीएनए को काट के निकाला, दूसरे में हमने जोड़ा उसको लाइगेज की सहायता से जोड़ा, लेकिन उतना बड़ा डीएनए कोई दूसरा डीएनए उससे काट के हटाना पड़ेगा आपको, तब वो लेगा, ऐसा है, उसको भी हम उसी एंजाइम से काटते हैं। दीज प्लाज्मिड्स डीएनए एक्ट एज अ वेक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच्ड टू इट। अब वो प्लाज्मिड जिसमें हमने जोड़ा वो लेके जाएगा, इसलिए वेक्टर कहलाएगा, मैंने बताया ना वेक्टर कहलाता है प्लाज्मिड जो फॉरेन डीएनए को लेके जाता है। यू प्रोबेबली नो दैट द मॉस्किटो एक्ट्स एज इंसेक्ट वेक्टर टू ट्रांसफर द मलेरियल पैरासाइट टू द ह्यूमन बॉडी, जैसे कि फीमेल एनोफिलीज जो है मलेरिया को
एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में पहुंचाता है तो वेक्टर का काम करता है। वैसे ही प्लाज्मिड जो है किसी दूसरे डीएनए को लेकर के अपने होस्ट सेल के अंदर या किसी होस्ट सेल के अंदर पहुंचाता है, इसलिए वो वेक्टर कहलाता है। वेक्टर का मतलब ले जाने वाला। इन द सेम वे ए प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, इसलिए इसको कहते हैं। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज, ठीक है, और डीएनए लाइगेज जोड़ता है इसलिए इसको मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। विच एक्ट ऑन द कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड जॉइंस देयर एंड्स, जोड़ने का काम करता है। दिस मेक्स ए न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनॉमिकली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो एंड इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये देखिए, जब प्लाज्मिड के एक हिस्से को काट के दूसरा डीएनए डाल दिए तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको अच्छे से अभी बताने की कोशिश किया है, आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। When this DNA is transferred into E. coli, a bacterium closely related to Salmonella, it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies. इस प्लाज्मिड को हम किसी भी बैक्टीरिया में ले रहे हैं, अगर वो बैक्टीरिया उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो उसकी कॉपी अपने डिवीजन के साथ तैयार करेगा। The ability to multiply copies of antibiotic resistance gene in E. coli was called cloning of antibiotic resistance gene in E. coli. अब E. coli जो है अपने साथ उसकी कॉपी कर रहा है तो जीन की भी क्लोनिंग हो रही है और उस ई कोलाई की भी क्लोनिंग हो रही है। यू कैन हेंस इन्फर दैट देर आर थ्री बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड इन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिक मॉडिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, है ना, तो उसमें नया डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ोगे। कैसे? पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। तो आप पहले तो ये जानिए कि किस जीन को हमको लेके जाना है, जैसे इंसुलिन बनाने वाला जीन या ग्रोथ हार्मोन बनाने वाला जीन या कोई प्रोटीन बनाने वाला जीन, कोई और हार्मोन बनाने वाला जीन, आप कौन से जीन को लेके जाना चाहते हो अंदर में, तो उसको आपको पहले पहचानना पड़ेगा। दूसरा, उसको वहाँ से निकाल के होस्ट सेल के अंदर भेजना पड़ेगा। जैसे बीटा सेल से आपने इंसुलिन जीन को निकाला और ई कोलाई में भेजा, वो काम सेकंड वाला पॉइंट है। और तीसरा कि जब ई कोलाई में आपने भेज दिया तो ई कोलाई को फिर मल्टीप्लाई होने देंगे स्टेराइल कंडीशन में। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू द प्रोगेनी, उनको मल्टीप्लाई होने देंगे तो उनके प्रोगेनी में वो डीएनए पहुंचते चले जाएंगे, ठीक। तो अब इसमें जो है टूल्स में हम यहां पर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग करते हैं इस प्रोसेस में, वो सारी चीजें जो अभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, कौन कौन से एंजाइम हैं, कैसे काटते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे जोड़ते हैं, उस प्रोसेस को फिर से अगले वीडियो में इस पॉइंट के साथ, टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हम इसमें क्या क्या उपयोग किए हैं और कैसे कैसे उपयोग किए हैं इसके बारे में अब मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसको और डिटेल करने में, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आया, और अगर पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियो तो कृपया सब्सक्राइब करें मेरे चैनल और उसको आगे बढ़ाने में मदद करें कृपया, ठीक है। और लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें थोड़ा सा, तो मुझे पता चलता है आप पढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।